हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ओट्स की डिश लेके आई हूँ जो मैं पाव भाजी के फ्लेवर में बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ जो है चॉप करके रखी हैं छोटे छोटे पीसेज में। जिस तरीके से पाव भाजी में हम सारी सब्जियाँ डालते हैं वही सब्जियाँ डालेंगे। तो ये मैंने एक तरफ तेल गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। तो तेल जो है मैंने लगभग एक चम्मच तेल आप बोल सकते हैं लिया है बड़े चम्मच में। तो जैसे ही तेल गरम हो जाता है हम इसमें सबसे पहले कांदा डाल देंगे। कांदा को हम थोड़ी देर भूनेंगे। कांदा जैसे ही नरम हो जाता है हम इसमें बची हुई जो भी सब्जियां जो भी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसके लिए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ले रही हूँ और थोड़ा सा हम धनिया पत्ती भी लिए हैं। और एक आलू को मैंने उबाल के रख लिया है पहले से और उसको छील लिया है। तो ये कांदा को मैं ऐसे ही भूंज रही हूँ थोड़ी बार बार हम इसमें चम्मच चलाएंगे। और ये थोड़ा नरम हो जाता है तो इसमें मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च नहीं लिया है। अब इसे थोड़ा सा नरम होते तक सब्जी को पकाएंगे। तो ये ओट्स की रेसिपी है और ब्रेकफास्ट रेसिपी है तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नरम होते तक ही हम पकाएंगे। तो इसको ढक के पका रही हूँ और इसको बीच बीच में मैं चम्मच चलाऊँगी। जब तक ये सब्जियाँ होती हैं तब तक मैंने एक टमाटर लिया है, इसको भी मैं छोटे पीसेज में कट करके ले रही हूँ। फिर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को हम थोड़ा भूंज के लेंगे। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में मैं ले रही हूँ लगभग आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर। तो अपने हिसाब से स्वाद अनुसार मसाले लेना है। अब मैं इसमें एक चम्मच पाव भाजी का मसाला डाल रही हूँ। हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे, उसकी जगह पाव भाजी का मसाला डालेंगे जिससे पाव भाजी का फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी फ्लेवर वाले ओट्स हम बना सकते हैं बिना इंस्टेंट मसालों के या इंस्टेंट ओट्स के। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा टमाटर है वो भी थोड़ा सा गल जाए, पक जाए। तो इस तरीके से इस पे वो हम एक दो बार चम्मच चलाएंगे। अब मैंने जो आलू उबाल के रखा है इसको भी मैं कीस के या मैश करके डाल दूंगी। तो मैं ये कीस के डाल रही हूँ और हम इसी तरीके से इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें अच्छे से दबा के चम्मच चला लेना है, नहीं तो आप मैशर का भी यूज कर सकते हैं ये सब्जियां ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो ये 2 मिनट लगभग हो गया हमें ये पकाते हुए सब्जी को मसाले के साथ। अब मैं एक कटोरी इसमें ओट्स ले रही हूँ। और ये प्लेन ओट्स हैं तो अब इसमें मैं ये ओट्स डाल दूंगी। ये एक कटोरी मैंने ओट्स ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ओट्स हमने जितना लिया है लगभग उससे डबल हमें पानी लेना है। तो मैंने ग्लास में ले लिया है, एक ग्लास पहले मैंने पानी डाला है, इसमें एक और ग्लास पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला के मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये थिक हो जाए। तो हमें इसे ढक के पकाना है तो हम इसे 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल रही हूँ। तो ये मैं बीच बीच में चम्मच भी चला रही हूँ। एक दो बार मैंने खोल के देखा तो ये देखिए थिक होते जा रहा है जो हमारा ओट्स है। अब 5 मिनट बाद मैं इसको खोल के अच्छे से कंटिन्यू चम्मच चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाना है, जब ये काफी अच्छे से एक रस हो जाए, अच्छे से मिल जाए तो बस हमारा जो ओट्स है वो रेडी है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा जो हमने चॉप्ड जो धनिया पत्ती है जो की थी उसको हम ऊपर से डाल देंगे।
तो ये टेस्टी और हेल्दी डिश रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।